मन्नान को मिला ओवैसी की पार्टी का साथ। किरतपुर में गोक्षी के मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन किरतपुर की टीम ने आज कोतवाली किरतपुर में थाना अध्यक्ष से मुलाकात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किरतपुर के नगर अध्यक्ष मौलाना हबीबुर रहमान रशीदी ने अपने बयान में कहा कि अब्दुल मन्नान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद रिजवान निवासी मोहल्ला रादगान कस्बा व थाना किरतपुर के खिलाफ जो मामला पंजीकृत किया गया है, उस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष वार्तालाप किया। उपरोक्त मामले की जांच उच्च स्तर एवं निष्पक्ष कराई जाए। जो यकीनन मुजरिम है उनको सजा दी जाए और जो बेकसूर है उनको रिहा किया जाए। अब्दुल मन्नान को लेकर शहर में षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब्दुल मन्नान नगर पालिका परिषद किरतपुर के मौजूदा चेयरमैन है। जनता के दरमियान उनकी साफ छवि है और इस मामले में कई बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। इस मौके पर मौलाना कफीलुर रहमान, मुफ्ती जुबैर, राकिब अंसारी, फहीम मिर्जा, कारी शुएब, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद शहजाद आदि मौजूद रहे। चल रहा है जो कृषि का मसला जो चल रहा है और जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है, इस मामले को लेकर जांच की जाए, उच्च स्तर पर जांच की जाए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, यकीनन उनको सजा दी जाए और जो बेकसूर लोग इसमें फंसाए जा रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, उनको रिहा किया जाए। यकीनन समाजवादी पार्टी से हमारी सियासी इख्तलाफात हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जहां पर इस तरीके की बात आएगी, जहां पर आपसी इत्तेहाद खत्म होने का मसला होगा, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाना बशाना खड़ी होगी। हम किरतपुर के इत्तेहाद को कायम रखेंगे और आपसी भाईचारे को कायम रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए।